झारखंड की तमाम मंडियों में नहीं होगी ट्रकों से माल की अनलोडिंग। जी हाँ, ये एक ब्रेकिंग खबर से अपने दर्शकों को इस समय हम रूबरू करा रहे हैं और महत्वपूर्ण खबर भी है। आपको जानकारी दे दें कि कल से झारखंड की तमाम मंडियों में ट्रकों से माल की अनलोडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस पर भी हम बात कर ले। दरअसल झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक महीने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था, 2% कृषि टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं झारखंड के व्यापारी। व्यापारियों के इस फैसले से झारखंड में माल की कमी और महंगाई बढ़ने के डर है, महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर, अहम खबर इसलिए भी है कि एक तो महंगाई ऐसे ही बढ़ी हुई है और ऊपर से ये जो फैसला लिया गया है ये झारखंड में महंगाई को बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है, क्योंकि कल से झारखंड की तमाम मंडियों में ट्रकों से माल की अनलोडिंग नहीं होगी। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक महीने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था। दरअसल 2% कृषि टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं झारखंड के व्यापारी। इस टैक्स को वापस लेने की मांग की गई थी और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी शाहनवाज का हम रुख करेंगे। शाहनवाज, एक तो महंगाई वैसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन एक बार फिर से क्या उम्मीद की जाए कि झारखंड में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि कल से झारखंड की तमाम मंडियों में ट्रकों से माल की अनलोडिंग नहीं होने वाली है। यह फैसला झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लिया था, एक महीने पहले अल्टीमेटम सरकार को दिया था। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी हाँ, अभी 15 बाजार में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से मुलाकात करके इस आंदोलन के उस पक्ष के बारे में और क्लियरिटी से बातचीत की और ये तय हुआ कि अब से, यानी आज के आधी रात के बाद से ही, जो अगर कहीं से कोई माल अगर चला हुआ है, मान लिया उड़ीसा से कोई माल चला है यहाँ पर, अगर वो 15 तारीख के पहले का चला हुआ है तो उसे अनलोडिंग की इजाजत होगी। अगर 15 तारीख के बाद का कोई माल चला हुआ है तो जाहिर है वो तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही बता दिया था, व्यवसायियों को भी बता दिया था, तो उसको अनलोड होने नहीं दिया जाएगा। और व्यवसायियों की आपसी जो बातचीत के अनुसार ये भी है कि उनको कुछ फाइन जुर्माना भी लगाया जाएगा ऐसा जो कोई माल यहाँ पर आएगा। तो ये लागू हो चुका है झारखंड में, जितनी भी मंडियां हैं, रांची का 15 बाजार है, थोक मंडी है, वहाँ पर ये चीजें लागू हो गई हैं। व्यवसायी 15 बाजार बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ से झारखंड के दूसरे जिलों में माल पहुँचता है। जब 15 बाजार में माल अनलोडिंग नहीं होगा तो दूसरे जिलों में माल नहीं पहुँचेगा तो कहीं काला बाजारी ना शुरू हो जाए। शाहनवाज, बिल्कुल बिल्कुल सही दर है आपका, और इससे न सिर्फ ये कि माल की कमी होगी, खाद्य जो वस्तुएं हैं जैसे आलू प्याज पेरिशेबल आइटम्स जितने भी हैं वो जाहिर है ट्रकों में अगर पड़े रहे तो सड़ भी जाएंगे जी। और जब सड़ेंगे तो जाहिर है उनकी व्यवसायी का नुकसान होगा, तो वो अपने व्यवसायी जो माल है उसकी कमी होगी तो मंडियों में, जैसे लोकल मंडियों में प्याज आलू खाद तेल सब्जियां जो भी चीजें बाहर से आती हैं बिकने के लिए थोक मंडी में, वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और चीजों की कमी के बाद तो जाहिर है कालाबाजारी भी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।